पेपर लीक माफियाओं को सीएम योगी की कड़ी चेतावनी। पेपर लीक माफिया अब ना घर के रहेंगे ना घाट के। जी हां, ये चेतावनी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि पेपर लीक मामले में बवाल और सवाल के बाद अब पेपर लीक माफिया ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का वो गुस्सा है जो पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के बाद ही शांत होगा, क्योंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सातवें आसमान पर है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसलिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक माफियाओं को कड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर निकली कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों के जोरदार हंगामे के बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को खुली चुनौती दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि अब वो ना घर के रहेंगे ना ही घाट के, उनके खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ पा रही है तो यह युवाओं के साथ खिलवाड़ है, और अगर युवाओं के साथ अन्याय होता है तो यह एक राष्ट्रीय पाप है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से तय किया है कि युवाओं के जीवन भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा, साथ ही कठोरतम तरीके से निपटने का काम किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि सरकार ने जो कार्रवाई शुरू की है वो कार्रवाई शुरुआत में भी की थी, अब फिर से एक बार हम लोग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया कि हम लोग तकनीक का प्रयोग करते हैं, वैसे ही पेपर लीक माफिया भी तकनीक का प्रयोग गलत काम में करने लगते हैं। अगर वो लोग सकारात्मक सोच रखते तो कभी गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते और खुशहाल जीवन व्यतीत करते, लेकिन अब वो तत्व ना घर के रहने वाले हैं और ना ही घाट के। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 48 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी, इनमें 16 लाख महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। यूपी पुलिस परीक्षा 60,244 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। दरअसल यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस पेपर की फोटो शेयर की थी। उनका कहना था कि ये फोटो उसी पेपर की है जो लीक हुआ था। वहीं बोर्ड ने इस वायरल पेपर को फर्जी बताया था। बोर्ड का कहना था कि शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि अराजक तत्वों ने ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का इस्तेमाल कर फर्जी पेपर तैयार किया था, फिर उसी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जब ये बात सामने आई तो योगी सरकार गंभीर हुई और फिर मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया। साथ ही एक मामला भी आपको याद होगा जो हाल ही में सामने आया था, जिसके बाद भी पेपर लीक माफियाओं की पोल खुली थी। दरअसल यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड कई दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा। कन्नौज के परीक्षा केंद्र पहुंचे धर्मेंद्र कुमार के यूपी पुलिस एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो छपी हुई थी, उसमें धर्मेंद्र की जगह नाम भी सनी लियोनी का ही था। ये मामला काफी दिनों तक चर्चा में रहा, इसकी जांच के लिए क्राइम ब्यूरो तक की मदद ली गई थी। फिलहाल ये पहली बार नहीं है जब यूपी में पेपर लीक मामला सामने आया हो, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 12 फरवरी 2024 जब RO AR पेपर लीक मामला सामने आया, अगस्त 2021 में यूपी टेट पेपर लीक मामला सामने आया, सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर टेस्ट का पेपर लीक मामला सामने आया था, फरवरी 2018 में यूपी PCL पेपर लीक मामला सामने आया, जुलाई 2017 में इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामला सामने आया। तो ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिसके बाद भी कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसे मामले आखिर रुके क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के 15 राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। करीबन 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसलिए अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सीएम योगी की चेतावनी के बाद पेपर लीक मामलों का आना बंद हो जाएगा, या फिर पेपर लीक मामलों को लेकर वही शोर बार बार सुनाई देगा जैसा इस बार हुआ। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।